हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब देवाशीष में। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को आधार के एक नए अपडेट के बारे में बताने वाले हैं। फ्रेंड, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ के चेंज को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। वो अपडेट जानने के लिए आपको सबसे पहले UID की साइट में जाना पड़ेगा। तो चलिए चले जाते हैं UID की साइट में। फ्रेंड, UID की साइट में जाने से पहले हमेशा की तरह करेंगे एक रिक्वेस्ट कि आप अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड, ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम मोबाइल कंप्यूटर अपने से इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में नई नई वीडियो बनाते रहते हैं और यूट्यूब में देते रहते हैं। तो फ्रेंड, ये सब्सक्राइब आप कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड, आप जो वीडियो हमारी देख रहे हैं उसके नीचे देखिए रेड कलर की एक सब्सक्राइब लिखा है। फ्रेंड, आप उस रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड, आप जैसे ही रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अलार्म आइकन दिखाई देगा। आप उस अलार्म आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि हम जो नए वीडियो यूट्यूब में देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड, बिना समय गवाए आप हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड, आप अगर हमारे चैनल पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं UID की साइट में। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर में टाइप करना है www.uidai.gov.in। ये लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है UID इन न्यूज़। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 9 तारीख को एक न्यूज़ आया था, तो सिंपली इस न्यूज़ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये PDF फाइल में दिखाएगा, तो सबसे पहले इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह दिखाई देगा। और फ्रेंड, यहाँ पे पूरे डिटेल्स लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिए। तो चलिए क्या लिखा है एक बार पूरे डिटेल्स में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आधार कार्ड की जन्मतिथि को एक से अधिक बार अगर आप चेंज करते हैं तो आपको इसके लिए UID की ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपके आधार कार्ड में कोई चेंज वगैरह करना है तो आप एक बार ही चेंज वगैरह कर लीजिए, बार बार चेंज वगैरह नहीं करिए। अगर आप चेंज वगैरह बार बार करते हैं तो आपको बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। मान लीजिए फ्रेंड, आपने एक नया आधार कार्ड बनवाया है और उस आधार कार्ड में आपका नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ गलत आया है। तो ऐसे में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए आपको एक बार ही चेंज करना पड़ेगा। अगर फ्रेंड आप पहले अपना नाम चेंज किया है, उसके बाद एक या फिर दो महीने बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर मान लीजिए फ्रेंड, आपने एक बार अपना ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है और दोबारा आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको UID की जो ऑफिस है उस ऑफिस में जाके चेंज वगैरह करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड, आपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को आप एक बार ही चेंज कर सकते हैं, बार बार आप चेंज वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर आप बार बार चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो आपको UID की जो ऑफिस है उस ऑफिस में जाके चेंज वगैरह करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप एक बार ही पूरे चेक कर लीजिए कि आपको क्या क्या बदलाव करना है अपने आधार कार्ड में। और यहाँ पे ये भी बताया दिया है कि आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस चेंज करने के लिए आपका जो पिन कोड है उस पिन कोड की तरह ही आप अपने एड्रेस को चेंज कर पाएंगे। तो फ्रेंड, यही थी एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। तो फ्रेंड, ये जानकारी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।